So now everybody will pay attention. We are now starting that today's lecture, past perfect. State. Past perfect. State. Or you can say non-action. हम past perfect state और non-action. हम कुछ दिनों से non-action पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. हमने अभी तक non-action के चार lectures पढ़े. Present simple, present simple, past simple, future simple. Present perfect और आज का lecture है past perfect. यानी पांचवा lecture. अभी तक हमने state के या non-action के चार लेक्चर्स पढ़े. प्रेजेंट सिंपल, पास सिंपल, फ्यूचर सिंपल. प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की प्रॉपर्टी, पास सिंपल पास की प्रॉपर्टी, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर की प्रॉपर्टी और कंडीशन. चले कुछ प्रैक्टिस हो जाए. ओके मैं स्टूडेंट हूं, मैं स्टूडेंट था, मैं स्टूडेंट होऊंगा, आई विल बी स्टूडेंट. ओके मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन था, मेरे पास पेन होगा, आई विल हैव पेन. सारे मिलके एक दफा हो जाए प्रैक्टिस, सारे मिलके प्रैक्टिस करेंगे इसके जो पिछले लेक्चर है उनके. प्रेजेंट सिंपल, पास सिंपल, फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट. उसके बाद इस लेक्चर पे आते हैं सिर्फ एक सेकंड की और 30 सेकंड की प्रैक्टिस के बाद. ओके यस प्लीज. तो कहते हैं कि भाई मैं पाकिस्तानी हूं, लाउडली मैं पाकिस्तानी था, मैं पाकिस्तानी होऊंगा. ओके वो मेरा भाई है, लाउडली यस. वो मेरा भाई था, वो मेरा भाई होगा. वेरी गुड, वेरी गुड. मेरे पास कार है, आई हैव अ कार. मेरे पास कार थी, मेरे पास कार होगी. यस आई हैव अ कार, मेरे पास कार है. आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी. आई विल हैव अ कार, मेरे पास कार होगी. प्रेजेंट सिंपल, पास सिंपल और फ्यूचर सिंपल. ओके मैं शॉपिंग मॉल में हूं, आई एम इन शॉपिंग मॉल. मैं शॉपिंग मॉल में था, मैं शॉपिंग मॉल में होऊंगा. आई विल बी इन शॉपिंग मॉल. मेरे पास पासपोर्ट है, आई हैव अ पासपोर्ट. मेरे पास पासपोर्ट था, आई हैड अ पासपोर्ट. मेरे पास पासपोर्ट होगा, आई विल हैव अ पासपोर्ट. हसन मेरे पास नोटबुक है, मेरे पास नोटबुक थी, मेरे पास नोटबुक होगी. ओके मैं नोटबुक हूं, मैं नोटबुक था, मैं नोटबुक होऊंगा. आई विल बी ए नोटबुक. ओके ये था प्रेजेंट सिंपल, पास सिंपल, फ्यूचर सिंपल. फिर इसी का चौथा लेक्चर हमने पढ़ा था जिसका नाम था प्रेजेंट परफेक्ट. मैंने आपको बताया ना सिर्फ 6 टेंसेज हैं जिनको हम नॉन एक्शन में कन्वर्ट करते हैं. प्रेजेंट सिंपल, पास सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. तो सिंपल वाले तीनों टेंस और परफेक्ट वाले तीनों टेंस स्टेट वर्ब में कन्वर्ट होते हैं. कौन से टेंसेज स्टेट वर्ब में कन्वर्ट नहीं होते जिनमें आईएनजी फॉर्म आती है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव. प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव. तो प्रेजेंट परफेक्ट लेक्चर था, सब्जेक्ट हैव एंड हैज, वर्ब थर्ड फॉर्म बीन और हैड, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम. जैसे जैसे मैं कहता हूं कि मैं स्टूडेंट हूं, आई एम अ स्टूडेंट. मैं 10 साल से स्टूडेंट हूं, आई हैव बीन अ स्टूडेंट फॉर 10 ईयर्स. ओके मैं हसन हूं, आई एम हसन. ओके मैं बचपन से हसन हूं, चाइल्डहुड. मैं हसन हूं, आई एम हसन. मैं बचपन से हसन हूं, आई हैव बीन हसन सिंस चाइल्डहुड. ओके इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, था सॉरी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था. चले मैं कहता हूं इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल रिस्पेक्टेड. दिल तोड़ दिया रिस्पेक्टेड बोल के. एनी वे शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, शहबाज शरीफ इज प्राइम मिनिस्टर, शहबाज शरीफ 1 महीने से प्राइम मिनिस्टर है, शहबाज शरीफ हैज बीन प्राइम मिनिस्टर फॉर वन मंथ. मेरे पास मोबाइल है, प्रेजेंट सिंपल. अब प्रेजेंट परफेक्ट इसका क्या होगा? मेरे पास 1 महीने से मोबाइल है, आई हैव हैड मोबाइल फॉर 1 मंथ. प्रेजेंट परफेक्ट थोड़ा सा आपको रस्ट लगा है, सो एनी वे प्रैक्टिस हो गई. यस अब आते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ. नाउ वी आर कमिंग टू द पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट क्या बात करता है? कंडीशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ पास्ट विद टाइम. एक था पास्ट सिंपल, इसी का छोटा भाई पास्ट सिंपल, जो पास्ट की कंडीशन प्रॉपर्टी बताता था, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट. यहां पे आता था या तो प्रॉपर्टी के लिए हैड या कंडीशन के लिए वॉज
वर। ये था पास्ट सिंपल, ये था पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती थी कंडीशन के लिए वॉज वर, प्रॉपर्टी के लिए हैड, यही था पास्ट सिंपल। जैसे आतिका कहती है पास्ट सिंपल में, मैं कहता हूँ पास्ट की कंडीशन और प्रॉपर्टी इनसे पूछता हूँ, पास्ट की कंडीशन और प्रॉपर्टी पूछता हूँ कि मैं बीमार थी, आई वॉज इल, मेरे पास मोबाइल था, आई हैड मोबाइल। आफ्ताब से पूछता हूँ मैं विलेज में था, आई वॉज इन विलेज, मेरे पास विलेज था, आई हैड अ विलेज, यही था ना सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। पास्ट सिंपल बात करता था कंडीशन और प्रॉपर्टी पास्ट की, आज भी वही लेक्चर है कंडीशन और प्रॉपर्टी पास्ट की, मगर एक और एडिशन क्या हो गया, एक और एडिशन क्या हो गया, टाइम। कंडीशन और प्रॉपर्टी की बात हो रही है मगर एडिशन क्या हो गया साथ में, टाइम। कंडीशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ पास्ट विद टाइम, तो क्या बन गया वो, पास्ट परफेक्ट। क्या स्टेट या नॉन एक्शन, स्टेट या नॉन एक्शन। और फॉर्मूला क्या है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो याद है ना, दोबारा एक बार मुझे रिपीट करवा दे, फर्स्ट पर्सन क्या है, आई वी, सेकंड पर्सन क्या है, यू, थर्ड पर्सन क्या है, ही शी इट दे। तो मैं बात कर रहा था कि नॉन एक्शन बात करते हैं कंडीशन और प्रॉपर्टी की, और छह टेंसेज है नॉन एक्शन के, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। जिस तरह पास्ट सिंपल था, पास्ट की कंडीशन और प्रॉपर्टी की बात करता था, ये भी पास्ट की कंडीशन और प्रॉपर्टी की बात करता है, बाय एडिशन क्या होता है, टाइम। कई किताबों में डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, वी यूज इट फॉर कंडीशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ पास्ट विच वी हैड फॉर पर्टिकुलर टाइम, विच वी हैड फॉर पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर क्या वर्ड होता है, पर्टिकुलर, और हम लोग क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर, यस यस, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, ओके, कंफर्टेबल, हाँ, वर्ड क्या होता है, हसन, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, और हम क्या बोलते हैं, कंफर्टेबल, यस, कंफर्टेबल। वर्ड होता है रीजनेबल, क्या होता है, रीजनेबल, और हम क्या बोलते हैं, रीजनेबल, पता नहीं क्यों, ओके, तो सब यहां, तो पास्ट परफेक्ट स्टेट नॉन एक्शन, कंडीशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ पास्ट विद टाइम। क्या करें, हमें आदत हो गई है, और गंदी आदत हो गई है। एक अच्छी आदत होती है फॉन्ड ऑफ, एक होती है अच्छी आदत, कौन सी, फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना, अच्छी आदत होती है फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, अच्छी आदत होना ना, मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग, वो इंग्लिश बोलने की, वो लेक्चर लिखने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ राइटिंग लेक्चर, वो गाना गाने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग, तुम गाड़ी चलाने के शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग कार, ये अच्छी आदत। एक बुरी आदत के लिए भी लेक्चर है, कौन सा लेक्चर है, बुरी आदत के लिए, किसी चीज की बुरी आदत लगना, बी एडिक्टेड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, किसी चीज की बुरी आदत होना, बी एडिक्टेड टू, हाँ, किसी चीज की बुरी आदत होना, किसी चीज की लत लग जाना, किसी चीज का नशा लग जाना। जैसे मुझे मोबाइल यूज करने की बुरी आदत है, आई एम एडिक्टेड टू यूज, आई एम एडिक्टेड टू कम अकेडमी, मुझे अकेडमी आने की बुरी आदत है, ये तो हमारा ही नुकसान हो रहा है यार। आई एम एडिक्टेड टू गिव एग्जाम, मुझे एग्जाम देने की बुरी आदत है, हाँ, मुन्ना भाई में कहता है, संजय दत्त को बुला के कहता है, प्रिंसिपल कहता है, मिस्टर शर्मा यू हैव टॉप्ड अगेन, आपने दोबारा टॉप किया, इंग्लिश में बोलता है यू हैव टॉप्ड अगेन, कहता है वो क्या है ना, टॉप करने की आदत पड़ गई है, कहता है हमारे प्रोफेसर लोग पढ़ाते इतना अच्छा है, टॉप करने की आदत पड़ गई, कहता है मुझे पता है तुम कैसे पास हुआ, चीटिंग करके, ओके, एनीवे, यस, आई एम एडिक्टेड टू यूज मोबाइल, मुझे मोबाइल यूज करने की बुरी आदत है, ओके, हसन कहते हैं आई एम एडिक्टेड टू यूज, या आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आई एम एडिक्टेड टू टेक सॉफ्ट ड्रिंक्स, मुझे सॉफ्ट ड्रिंक पीने की बुरी आदत है, एवरी डे आई टेक टू और थ्री, आतिका कहती है सर आई एम एडिक्टेड टू स्लीप लेट इन नाइट, आई एम एडिक्टेड टू स्लीप लेट इन नाइट, मुझे लेट सोने की बुरी आदत है, ओके, सलमान कहते हैं आई एम एडिक्टेड टू लिसन अरेबिक सॉन्ग, मुझे अरेबिक म्यूजिक, अरेबिक सॉन्ग इज वेरी नाइस, यू नो अरेबिक म्यूजिक इज वेरी नाइस, इवन यू डोंट अंडरस्टैंड बट यू विल एंजॉय, या यू विल एंजॉय द बीट,
You will enjoy the beats. You will enjoy the song. Okay. So I say he is Salman. Salman is addicted to listen Arabic song. Yes. This is Salman or Suleiman? Salman. There is also name Suleiman. Suleiman also. Salman bhi naam hota hai. Suleiman bhi naam hota hai. Dono naam hai. Salman. Salman Farsi. Sahabi the companion of Prophet peace be upon him. Yes. Anyway, तो समझ आया addicted to और यही past में जाएगा तो was verb हो जाता है. I was addicted to speak उर्दू. मैं उर्दू बोलने की मुझे बुरी आदत थी. बुरी आदत, लत लगना, नशा होना किसी चीज का. Anyway, yes, come back to lecture. Past perfect, state non-action. Subject, helping verb क्या होता है past perfect का? हमें अच्छे से पता है कि helping verb होता है had. वर्ब थर्ड फॉर्म क्या लगेगी? अगर वो आपको चार्ट याद है जो मैंने चार्ट पढ़ाया था और पिछले 5 लेक्चर से मैं आपको चार्ट पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें आपको पता चलेगा कंडीशन के लिए बीन है और प्रॉपर्टी के लिए हैड है. कंडीशन के लिए बीन और प्रॉपर्टी के लिए हैड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम. क्या बात करता है? पास्ट की कंडीशन और प्रॉपर्टी टाइम के साथ. आई हैड बीन इन लाहौर फॉर 2 months. अगर मैं सिंपल बोलूँ, मैं लाहौर में था. आई वॉज इन लाहौर. मैं 2 महीने से लाहौर में था. हम इसी में टाइम लगा देते हैं. आई वॉज इन लाहौर, मैं लाहौर में था. 2 महीने से लाहौर में था, ऐसे बोलते हैं. आई वॉज इन लाहौर फ्रॉम 2 months. गलत. सही क्या है? आई हैड बीन इन लाहौर फॉर 2 months. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर 2 months इज अ टाइम. आई हैड बीन इन लाहौर फॉर 2 months. ऐसी कंडीशन, ऐसी प्रॉपर्टी पास्ट में थी पर्टिकुलर टाइम के लिए. आई हैड बीन इन लाहौर फॉर 2 months. मैं कहता हूँ आप इकरा यूनिवर्सिटी में थे? कहते हैं यस सर. आई हैड बीन इन इकरा यूनिवर्सिटी फॉर 3 years. मैं 3 साल तक इकरा यूनिवर्सिटी में था. मैं कहता हूँ इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे? आप कहते हैं यस सर. ही हैड बीन प्राइम मिनिस्टर फॉर 3 years, 3.5 years. इमरान खान साहब 3.5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर थे. सिंपल बोलेंगे कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो बोलेंगे इमरान खान वॉज प्राइम मिनिस्टर. ही हैड बीन इल फॉर 2 days. वो बीमार था. हम कहते हैं अबू बकर के लिए कि बीमार था भाई. ही वॉज इल. जब मैं बोलूंगा कि वो 2 दिन के लिए, 2 दिन तक बीमार था. ही हैड बीन इल फॉर 2 days. दे हैड बीन इन एमएनसी. एमएनसी, व्हाट इज एमएनसी? मल्टीनेशनल कंपनी. ओके, मल्टीनेशनल, ओके, कंपनी. सम पीपल से मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल, सेम सेम, नो प्रॉब्लम. इवन यू प्रोनाउंस मल्टीनेशनल, इवन यू प्रोनाउंस मल्टीनेशनल, बोथ आर सेम. मिनरल्स, माइनरल्स, सेम सेम. So they had been in MNC for 10 years. वो 10 साल तक मल्टीनेशनल कंपनी में थे. मल्टीनेशनल क्या होती है? जो और दूसरे कंट्रीज में भी जिनके ऑफिस बने हुए हों. जैसे DHL क्या है? कौन सी कंपनी है? मल्टीनेशनल. यहाँ भी ऑफिस है, इंग्लैंड में भी है, फलानी जगह भी है, ढिमकानी सब जगह, इसको कहते हैं मल्टीनेशनल. और एक जैसे भाई TCS सिर्फ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में ही ऑफिस बने हुए हैं, तो वो मल्टीनेशनल नहीं है बल्कि वो नेशनल है. ओके, सो मल्टीनेशनल व्हेन यू हैव ऑफिस डिफरेंट प्लेसेस. अच्छा, ये तो था कंडीशन. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म. अब प्रॉपर्टी में आते हैं. मेरे पास बाइक थी. आई हैड अ बाइक. इसी में टाइम लगाना है. मेरे पास 2 साल तक बाइक थी. आई सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब दैट बाइक. फॉर एग्जांपल, दैट बाइक इज ऑब्जेक्ट. फॉर 2 years इज टाइम. ये हैड क्या है? वर्ब थर्ड फॉर्म. बट लोग इसको एकदम से देखते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं. कहते हैं डबल हैड. How it is possible that double head is coming? But they never use common sense. As it says, common sense is not so common. So they never use this. Okay? I had that bike for 2 years. Salman zabardast bike laya hua hai. Main dekhta hu yaar, behtareen bike hai. Behtareen bike hai. Main kehta hu, mere paas bhi ye bike 2 saal tak thi. Fir maine bech di. Haan, nahi. Chori nahi hui. Maine kaha bech di. ओके, सो आए है. मैंने कहा चोरी हो गई. सही. ओके, मैं कहता हूँ ये बाइक मेरे पास और मुझे लग रहा है ये वही बाइक है जो चोरी हुई थी. ओके, आई हैड दैट बाइक फॉर 2 years. मैं सलमान की बाइक देखता हूँ, कहता हूँ मेरे पास भी ये बाइक 2 साल तक थी. आई हैड दैट बाइक फॉर 2 years. मेरे पास भी ये बाइक 2 साल तक थी. दिस का मतलब है ये एक चीज, दैट का मतलब है वो एक चीज, और दिस की जमा क्या होता है? दीज. That की जमा क्या होती है? Those. I had that movie for 2 months. कहते हैं सर बड़ी अच्छी मूवी आई है, द मेडिटेरियन या कुछ करके मैंने देखी कि वो बंदा मार्स पे जाता है, मार्स पे तूफान आता है और कोई तूफान आता है तो नासा मैसेज भेजता है जल्दी से मिशन रैप अप करो और वहाँ से निकलो.
जब निकलने लगते हैं तो एक एंटीना टूट जाता है, तूफान में एक एस्ट्रोनॉट को लग जाता है, वो बेहोश हो जाता है, सब समझते हैं वो मर गया, उसको छोड़ के ही चले जाते हैं। अगले भाई एक दो दिन बाद वो उठता है, एंटीना निकालता है, खुद ही स्टिचेस लगाता है अंदर जाके स्पेसशिप में, फिर वो वहाँ पे कम से कम 4 साल गुजारता है, 4 से 5 साल। फिर बड़ा इंटरेस्टिंग मूवी है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं कहता हूँ मेडिटेरियन इस तरह करके कुछ थी, मैंने अभी देखी बिफोर 1 वीक। तो हसन कहते हैं यस सर, मेरे पास भी USB में, आई हैड दैट मूवी फॉर 2 मंथ, मेरे पास वो मूवी 2 महीने तक थी, आप मांग लेते मैं देता, आपने डाउनलोड कर ली। यस शी हैड कंप्यूटर फॉर 2 मंथ, उनके पास 2 महीने तक कंप्यूटर था, उनके पास कंप्यूटर था, शी हैड कंप्यूटर, उनके पास 2 महीने तक कंप्यूटर था, शी हैड कंप्यूटर फॉर 2 मंथ। लेट्स हैव सम प्रैक्टिस। मैं 10 साल तक दुबई में था, आई हैड बीन इन दुबई फॉर 10 ईयर्स, मैं 2 घंटे तक शॉपिंग मॉल में था, शॉपिंग मॉल फॉर 2 आवर्स। अगर सिर्फ बोलेंगे मैं शॉपिंग मॉल में था तो पास सिंपल, आई वॉज इन शॉपिंग मॉल। मेरे पास 2 दिन तक पेन था, आई हैड पेन फॉर 2 डेज, और सिर्फ मेरे पास पेन था तो आई हैड अ पेन, दैट्स टू सिंपल। ओके, द फर्स्ट वन इज मिस द बोट, सेकेंड वन इज स्पेक्टेक्युलर, द थर्ड वन इज मेलाइस, द फोर्थ वन इज अफर्म फैंटेसी, and also there is one difference, story, the story. Yes, so the first one is, please pay attention, the first one is miss the boat, mauka haath se gawa dena, this is a high time, bahut ahem waqt ko kehte hain, this is a high time, main kehta this is a high time to avail the opportunity, ye high time hai, high time, this is the high time, ahem mauka, ahem waqt, this is a high time, this is a high time to avail the chance, avail the chance, mauke se fayda uthana, main kehta hu this is the high time, yeah I'm telling this is the high time, ye bahut ahem waqt hai, to avail the chance, mauke se fayda uthane ka, but you missed the boat, aapne mauka haath se gawa diya, mauka haath se gawa dena, idiom ki zuban, okay, this is a high time to avail the chance, high time ahem waqt, avail the chance, mauke se fayda uthana, this is the high time to avail the chance, but you have missed the boat, magar aapne mauka haath se gawa diya, I have missed the boat, okay, please work hard for English, otherwise you will miss the boat, miss the boat. Spectacular, the meaning of spectacular is zabardast, what a spectacular shot that was, he, okay, dolphin is spectacular, okay, the movement of the movement of dolphin is spectacular. Melais, मिलाइस, कीना, बुगज, नफरत, किसी के लिए नफरत रखना, मिलाइस, मिलाइस, ही हैज मिलाइस, ऑलराइट, अफर्म, दावे से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफर्म, दावे से, फैंटेसी, इमेजिनरी, ख्याली दुनिया में रहना, ओके, अबू बकर इज लिविंग इन फैंटेसी, हसन इज लिविंग इन फैंटेसी, ख्याली दुनिया में रह रहे हैं, यू आर लिविंग इन फैंटेसी वर्ल्ड, फैंटेसी, ख्याली दुनिया, ख्वाबों की दुनिया, फैंटेसी, ओके, सो मिस द बोट, मौका हाथ से गवा देना, स्पेक्टेकुलर, जबरदस्त, मिलाइस, कीना, बुगज, अफर्म, दावे से, फैंटेसी, ख्वाबी ख्याली दुनिया में रहना, हाई टाइम, बहुत अहम वक्त, अवेल द चांस, मौके से फायदा उठाना, और ये डिफरेंस, स्टोरी का क्या मतलब है, सिंपल कहानी, और स्टोरी का क्या मतलब है, मंजिल,